नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में ज्योग्राफी की अलग सीरीज चल रही है, ठीक है। सामान्य विज्ञान के अपने सारे टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें अपना आज पहला चैप्टर है मौर्य एवं गुप्तकालीन कला, साहित्य, विज्ञान एवं अन्य। ये दोस्तों आज अपना पहला टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। इसमें देखो, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक था। तो दोस्तों मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक था, तो दोस्तों स्थानिक कौन था? स्थानिक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला प्रशासक था दोस्तों, स्थानिक, ठीक है, जिला प्रशासक होता था स्थानिक। दोस्तों मेगस्थनीज के द्वारा नगर के प्रमुख अधिकारियों को एस्ट्रोनोमाई कहा जाता था, उसके अनुसार जिला का अधिकारी एग्रीनोमोई होता था, ठीक है। तो इसमें जिला प्रशासक इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर प्रश्न, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो दोस्तों अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं अशोक के शिलालेख, दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मौर्य शासक अशोक के शिलालेख है साहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख खगोष्ठी लिपि में तथा तक्षशिला एवं लगमान अभिलेख ये दोस्तों आर्मेइक लिपि में, ठीक है, लिखे गए हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि में जो अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ये ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं, ठीक है। इनके अलावा जो मैंने अभी आपको चार बताए थे, साहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ठीक है, तक्षशिला और लगमान, ठीक है, इनके अलावा जो सभी जो शिलालेख थे लघु शिलालेख थे, ठीक है, स्तंभ लेख थे, लघु स्तंभ लेख थे, इनमें सब में दोस्तों ब्राह्मी लिपि से लिखा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर का ऑप्शन। तीन नंबर प्रश्न है, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों कौटिल्य है वो किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार नंबर प्रश्न, इसमें देखो चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाणक्य हैं दोस्तों वो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, बचपन में दोस्तों, ठीक है। ऋषि चाणक्य ने, एक ऋषि थे जिनका नाम था चाणक्य, ठीक है, ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर का ऑप्शन। पांच नंबर प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है? तो दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, तो क्या है एक? तो दोस्तों शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, चार नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर प्रश्न, कला की गांधार शैली निम्न समय में फूली फली। दोबारा देखो प्रश्न को, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों के समय ये दोस्तों फली फूली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कुषाणों के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात नंबर प्रश्न, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये क्या प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बुद्ध प्रतिमा के लिए दोस्तों बामियान है वो प्रसिद्ध था। दोस्तों अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काट कर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, क्या? बामियान, ठीक है, ये बामियान की पहाड़ी है, ठीक है, इनको काट कर बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। लेकिन तालिबान शासन के द्वारा इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया गया है, तो ये बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठ नंबर प्रश्न,
गांधार कला शैली का संश्लेषण है, गांधार कला शैली का संश्लेषण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गांधार कला शैली का संश्लेषण है वो भारतीय तथा यूनानी कला का है, भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है गांधार कला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। दोबारा देखो, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है किसमें, तो दोस्तों गांधार मूर्ति कला में होता था। ठीक है, गांधार मूर्ति कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। ठीक है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कालानुक्रम सही है, तो कौन सा एक कालानुक्रम सही है वो अपने को इसमें बताना है। तो देखो, यूनानी शक कुषाण, ठीक है, यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण, शक कुषाण यूनानी, तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो भारत पर आक्रमण सबसे पहले दोस्तों यूनानियों ने किया था 326 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, किसने, सिकंदर महार ने। उसके बाद में दोस्तों शक ने यानी कि सीथियन प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व है, और उसके बाद में दोस्तों कुषाण, ठीक है, ये पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व है, पहली शताब्दी ईस्वी में किया था कुषाणों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी शक और कुषाण, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 11 नंबर प्रश्न, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, पहला ईरानी शासक है जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, प्रथम ईरानी शासक कौन था वो, तो वो था दोस्तों इसमें डेरियस प्रथम, कौन था, डेरियस प्रथम। ठीक है, इसका शासनकाल था दोस्तों 522 से 586 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया गया था किसने, डेरियस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था, तो सातवाहन राजवंश था सबसे पुराना। ठीक है दोस्तों, इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों सिमुक। ठीक है, कौन थे, सिमुक। आगे चलते हैं 13 नंबर प्रश्न, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मत्स्य पुराण में मिलती है दोस्तों सबसे लंबी सूची। देखो पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम का उल्लेख है, ठीक है, जिसमें सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 19 राजाओं की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन, मत्स्य पुराण। 14 नंबर प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो दोस्तों सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमरावती में। ठीक है, अमरावती में सातवाहन की राजधानी अवस्थित थी, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं 15 नंबर प्रश्न, इसमें देखो निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी है, तो सबको बताओगा दोस्तों देवानाम प्रियदर्शी है वो अशोक का नाम है। ठीक है, अशोक का नाम है दोस्तों, मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से इसे संबोधित किया गया है। मास्की गुजरा अभिलेखों में दोस्तों अशोक का नाम सिर्फ अशोक मिलता है। ठीक है, ये दो अभिलेखों के अंदर दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न, इसमें देखो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था तो दोस्तों किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम
भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो इसमें तीन नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। देखो चार वंश दे रखे हैं, सबसे पुराना राजवंश अपने को इसमें बताना है, गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश है ये, इसमें सबसे पुराना राजवंश है। इसका समय है वो 323 से 184 ईस्वी पूर्व तक है ये राजवंश था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विशाखदत्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, विशाखदत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। दोस्तों विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र बताया गया है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, तो इसमें तीन नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा विशाखदत्त। 19 नंबर प्रश्न है, सेंडोकोट से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की। ठीक है, सेंडोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जो पहचान है वो दोस्तों विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, सर्वप्रथम सेंडोकोट से की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त से की थी किसने, विलियम जोन्स ने। ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, एक था एरियन, ठीक है, एक तो था एरियन और एक था प्लूटार्क। ठीक है, प्लूटार्क, एक तो एरियन और एक प्लूटार्क, ये दो को भी आपको याद रखना है। इन्होंने दोस्तों एंड्रोकोट्स कहा था, एंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी, एंड्रोकोट्स के रूप में। दोस्तों यहाँ पे तो है सेंडोकोट्स है इसमें तो, और वो है एंड्रोकोट्स, याद रखना इस चीज़ को, एंड्रोकोट्स। ठीक है, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, और सेंड्रोकोट्स की के बारे में किसने पहचान की थी, तो दोस्तों विलियम जोन्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है खारवेल। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल, तो दोस्तों ये जैन धर्म का संरक्षक था। ठीक है, आगे चलते हैं, तो इसमें देखो 21 नंबर प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किस वंश से संबंधित थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों चेदी वंश से। ठीक है, चेदी वंश से संबंधित थे कलिंग नरेश खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें खारवेल का। ठीक है, तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा खारवेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं 23 नंबर प्रश्न, इसमें देखो पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किस क्षेत्र में था, तो दोस्तों विधि के क्षेत्र में था, तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है वो दोस्तों रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए यह बनाया गया था, इसमें योगदान था दोस्तों इसका। ठीक है, यानी कि विधि का मतलब कानून। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार
राज्य का सातवां अंग कौन सा था? तो दोस्तों राज्य का जो सातवां अंग है वो कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मित्र। तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा मित्र। 25 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? निम्नांकित में से किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना है वो दोस्तों मेकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर, ठीक है, दो नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। दोस्तों अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसकी तुलना मेकियावेली के द्वारा रचित प्रिंस से की जाती है। ठीक है, इसकी तुलना याद रखना इस चीज़ को। 27 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? तो दोस्तों किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बिंदुसार के काल में डाइमेकस है वो भारत आया था। दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो दोस्तों किससे बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लकड़ी से बना था ये। ठीक है, लकड़ी से बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी से बना था दोस्तों ये। ठीक है, बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरहार में की गई खुदाई में मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं, इन्हें प्रकाश मिलाने का श्रेय है वो दोस्तों स्कूनर को जाता है। ठीक है, स्कूनर महोदय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पाटलिपुत्र के। ठीक है, पाटलिपुत्र के, मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पटना का ही प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। 30 नंबर प्रश्न है, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी, यानी कि दक्कन पर विजय, दक्षिणी भारत पर विजय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ठीक है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था दोस्तों मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र, इन्होंने पहली बार जीता था किस शासक ने? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, इसमें देखो निम्न में से किसने सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो वो किया है जस्टिन ने। ठीक है, जस्टिन ने दोस्तों इसका उल्लेख किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर का ऑप्शन जस्टिन। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान सात वाहनों की राजधानी था? तो सात वाहनों की राजधानी दोस्तों इनमें से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतिष्ठान। ठीक है, प्रतिष्ठान है वो सात वाहनों की राजधानी था, एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 34 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, अपने को इसका सही उत्तर बताना है कूट भाषा में। ठीक है, तो देखो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है,
कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो कारण आर, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें गलत हो जाएगा। पहला इसमें सही है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, बिल्कुल सही है। तो इसमें आर गलत है और ए सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ए सही है परंतु आर गलत है इसमें, तो तीन नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो दोस्तों राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो ये हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा है राजा खारवेल का नाम, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो अभिलेख जिसमें वह प्रमाणित होता है, अभिलेख जिसमें वह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। तो दोस्तों अभिलेख जिसमें वह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, ठीक है, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो दोस्तों यह प्रमाणित है वो किससे होता है? तो यह प्रमाणित होता है दोस्तों रुद्रदमन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, ठीक है, ये दोस्तों इससे ये प्रमाणित होता है, दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 38 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारत राजा ने हराया था? तो दोस्तों किस भारत राजा ने हराया था यह आपको इसमें बताना है। दोबारा देखो सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें चंद्रगुप्त ने हराया था दोस्तों इसमें, ठीक है, चंद्रगुप्त ने, तो चार नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के सिकंदर के साम्राज्य के द्वारा पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी में पराजित किया था। 39 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है किस वर्ष में, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बोध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों कौन से स्रोत में यह मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो कूट भाषा में अपने को बताना है, ठीक है, नीचे कूट भाषा में बताना है कि इनमें से कौन कौन से शिलालेख या अभिलेख है या कौन कौन से इसमें स्रोत थे, ठीक है। तो एक इसमें देखो दीपवंश और महावंश, ठीक है, देखो सिहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार मौर्य अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति आयोजित की गई थी, ठीक है, इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस नामक बौद्ध भिक्षु ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो और तीन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, दो और तीन यानी कि दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए आज के अपने इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों जिसमें अपना आज एक भाग कंप्लीट हो चुका है, कल दोस्तों इससे संबंधित दूसरा भाग आएगा। और आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।